हाउ टू यूज़ टोनकीपर वॉलेट। आज की वीडियो में हम टोनकीपर वॉलेट यूज़ करने का तरीका सीखेंगे। बहुत सारे नए यूज़र आजकल टोनकीपर वॉलेट इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि एयर ड्रॉप की सीज़न चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से टोनकीपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने टोनकीपर वॉलेट ओपन करना है। टोनकीपर वॉलेट जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंड का बटन नजर आएगा। सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट करना है जिसको भी आपने ट्रांसफ़र करने हैं, और यहाँ पर कमिट वाले बॉक्स में आपने अगर एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर मेमो ऐड करनी है क्योंकि मेमो के बगैर एक्सचेंज में आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर रिसीव का बटन है, रिसीव बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसीविंग एड्रेस नजर आ जाएगा। आपने जो भी अमाउंट यहाँ पर लेनी है इसी एड्रेस पर रिसीव करनी है। इसके बाद यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन है, कोई भी बारकोड स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्वैप का बटन दिया गया है। स्वैप बटन पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्वैप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास टोन है तो आप उससे USDT बाय कर सकते हैं, डॉग्स कॉइन बाय कर सकते हैं, नोट बाय कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर स्वैप करना है वो टोन कॉइन से स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाय एंड सेल का ऑप्शन है। आपने यहाँ पर बाय एंड सेल में जाकर अगर यहाँ से आप अपने बैंक के ज़रिए नोट कॉइन या सॉरी यहाँ पर टोन कॉइन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेक ऑप्शन है, इसका फ़िलहाल मैं मुझे इतना नहीं पता, तो आपने यहाँ पर स्टेकिंग का अगर करना है तो आपने खुद इसको देख लेना है। इसके अलावा नीचे हिस्ट्री का ऑप्शन है, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की है आपको उसकी हिस्ट्री यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ब्राउज़र का ऑप्शन है, जैसे कि डिजिटल नोमेड्स है, यहाँ पर एक्सचेंजेस का ऑप्शन है, DeFi का ऑप्शन है, NFT है, यूटिलिटीज़ है, और बहुत सारी ऐप्स यहाँ पर डैप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी टोन की ब्लॉकचेन पर जो कवर करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग का बटन दिया गया है। सेटिंग वाले बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वॉलेट का बैकअप है। बैकअप देखने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अपने कंटिन्यू करना है, पासवर्ड डालना है अपने वॉलेट का, तो बैकअप आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने इसको डायरी पर नहीं लिखा तो आप दोबारा यहां से देकर इसके बैकअप को डायरी पर लिख सकते हैं। तो इसके अलावा यहां पर नीचे टोकन्स का ऑप्शन है, यहां पर टोकन्स हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है, आप इसको यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। करेंसी आप यहाँ से कोई भी करेंसी, लोकल करेंसी चेंज कर सकते हैं। बैटरी का ऑप्शन है, बैटरी का ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से टोन बाय करें, ठीक है ना। सिक्योरिटी में जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अलावा थीम का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि डार्क थीम है और लाइट थीम का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सर्च इंजन है, जैसे कि यहाँ पर सर्च इंजन चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं वॉलेट की। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस अपडेट है, यहाँ पर एड्रेस भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ से आप अपना जो वॉलेट लॉग आउट करना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइन आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजीली टोनकीपर वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉलेट ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड वॉलेट में जाकर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा न्यू वॉलेट बना सकते हैं और कोई पुराना वॉलेट भी यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ईजीली टोनकीपर वॉलेट को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।